प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और इस बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पहले हमें अपनी प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें एक ऐप सर्च करनी है, क्लैप टू फाइंड, ठीक है। क्लैप टू फाइंड एप्लीकेशन यहाँ पर सर्च कर लेनी है। यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर पर जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर ये मेरे पास फ़िलहाल ओल्ड वर्जन है इसलिए अपडेट मांग रहा है, तो आप इसे लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी रेटिंग 3.7 की रेटिंग है और 1 मिलियन जो डाउनलोड्स हो चुके हैं, तो आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ज़्यादा MB का नहीं, लगभग 1-3 MB का लगभग समथिंग होगा, इतना ही कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्लैप बना हुआ है, तो आपको इसे ओपन करना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ जो परमिशन अलाउ करने को बोलेगा, तो आपको ये परमिशन अलाउ कर देना है। 4 परमिशन है जो अलाउ करने को बोलेगा। अब यहाँ पर ये यहाँ पर गेट स्टार्टेड लिख के आ रहा है, यहाँ से आप देख पा रहे हैं गेट स्टार्टेड लिखा है, तो आपको इस पर गेट स्टार्टेड पर जो है वो क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये 3 बार जो है वो क्लैप करने को बोलेगा, 3 बार ताली बजाने को बोलेगा, जो आपको मोबाइल में सेट करना है। तो चलिए गेट स्टार्ट पर क्लिक करते हैं और 3 बार ताली बजाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लैप क्लैप टू स्टार्ट क्विकली क्लैप 3 times वेटिंग फॉर क्लैप 1, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ, 3 बार क्लैप बजा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव डिटेक्टेड ए साउंड, इट इज़ योर क्लैप। तो यस कर देता हूँ मैं। यस करने के बाद यहाँ पर ये आ गया, पुट योर डिवाइस टू स्लीप एंड क्विकली क्लैप 3 times डिवाइस विल रिंग, मतलब जो है डिवाइस 3 बार क्लैप करने के बाद जो है वो बोलने लगेगा, तो यहाँ पर ये ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, यहाँ पर ये 3 डॉट देख रहे हैं आप ऊपर, ये 3 लाइन, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सेटिंग पर जाना है, 2nd नंबर ऑप्शन पर। सेटिंग पर जाने के बाद आपको करना क्या है, जो 2nd फर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं साउंड पर क्लिक है, यहाँ पर आप फ्लैश पर भी, अगर आप साथ ही साथ फ्लैश भी इनेबल करना चाहते हैं, जलाना चाहते हैं क्लैप के साथ साथ, तो आप फ्लैश पर भी क्लिक कर दीजिए, और वाइब्रेट चाहते हैं तो वाइब्रेट पर भी आपको क्लिक कर देना है। और साथ ही साथ आपको अगर आप सेंसिटिविटी यहाँ पर आप बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, जितनी दूर से आप बजाएँगे ये 100% कर दीजिए, ठीक है, ये दूर से ही आपको डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से रिंगटोन चेंज करना चाहते हैं कोई भी, तो यहाँ से आप कोई भी रिंगटोन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल कोई भी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ठीक है। ये लेने के बाद यहाँ पर ओके पे आ जाते हैं, फिर बैक आते हैं, ठीक है। बैक आने के बाद यहाँ पर इसे लॉक लगाते हैं मोबाइल में। अब आप कहीं भी रख के इसे भूल जाएंगे या फिर कहीं भी, तो आप 3 बार इसे क्या है इस पर क्लैप करेंगे, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फ्लैश भी साथ ही साथ जो है जो फ्लैश भी जल रहा है और वाइब्रेट भी हो रहा है, और यहाँ पर ये रिंग भी बोल रही है साथ ही साथ। तो ऐसे ही आप अपने मोबाइल को कहीं भी रख सकते हैं, और आप ये सेटिंग कर लीजिए अपने मोबाइल में, तो आपके मोबाइल में जो सेटिंग जो है ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप कहीं भी रख कर इसे भूल गए तो आप इसे तुरंत अपना मोबाइल जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें एंड शेयर जरूर करें।